गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन शिवराव चेन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। और आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो हमें थोड़ा समय मिला तो हम सुबह सुबह आ चुके हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि क्या है और हम भी खुद पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं। ये आपका पार्किंग का दिख रहा है, हमको यहाँ पे आने के लिए बोल दिया सर। तो हम लोग बैठ गए, देखिए ये वाले रिक्शा में, ऐसे बस भी जाती है यहाँ से। अभी सब हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या है। वैसे बस भी जाती है, हम बस के वुमेन रिक्शा कम्प्लीटली। सामने है एकता नर्सरी और ये नर्मदा रिवर लग रही है ना। देखिए कितने बढ़िया सुंदर सुंदर उन्होंने बनाए हुए पार्क। हम लोग ने अभी ऑटो से उतर के टिकट वगैरह ले लिया है। 180 का टिकट जो है वो आपका उनके पाँव तक जाने का, और 380 का टिकट है ऊपर तक जाने का। तो हमने 380 वाला टिकट लिया है फिलहाल। ये पूरा अभी यहाँ पे एंट्री एरिया है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं। अभी टिकट वगैरह हो गया है और यहाँ पे जो है ये शो होता है एक्चुअली शाम के टाइम। हम हमारे पास शाम तक का टाइम है नहीं, हमको अभी 1 घंटे में निकलना है। मैं फैमिली को लेके आएंगे दिखाने के लिए कि कैसा है क्या है, अभी पहले खुद एक्सप्लोर कर लेते। और किसी को अगर वॉशरूम जाना हो तो यहाँ जा सकता है, जन सुविधा एकदम एंट्री गेट पे ही है। यहाँ पे भी आपकी टिकट चेक होती है, सिक्योरिटी चेक, और फिर यहाँ से आपको एंट्री। देखिए ये है अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कैमरा तो इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, बट ये सामने आके ही पता चलेगा कि एक्चुअल है क्या। पूरा आपका देखिए डैम का एक पूरा एरिया, और ये आपको पूरा एलिवेटर मिल जाएगा चलने के लिए, आराम से चलते रहिए और ये लिफ्ट की तरह आपको लेके भी जाएगा। सी फ्रॉम हेयर, ऑसम। और अभी हम लोग एग्जैक्टली नीचे हैं। अब फिलहाल यहाँ पे हम खड़े हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहले यहाँ से एंट्री है, उसके बाद पांव के पास जाएंगे हम। गैलरी है, हिस्ट्री, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। इधर भी ये जन सुविधा, एक्चुअली हम सोच रहे थे बाहर ही होगा। वेरी गुड। फीडबैक बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पर्सन ओनली, सोशल डिस्टेंसिंग। वाह देखिए, गजब गजब गजब। बहुत बढ़िया जगह है, आना ही चाहिए अगर आप अगर यहाँ पे आते हैं तो। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। बात कर लिए तुमने कहाँ से जाना है? अच्छा, यहीं से सीधे ऊपर व्यूइंग गैलरी एलिवेटर, इधर से पूरा एंट्री। चलिए हम लोग आगे 45th फ्लोर पे। जापान है, सारी प्रतिमा आज से 10 साल लगे बनाने।
ये प्रतिमा आपको 46 मार्क मेंटेन भी कर सकते हैं। गुजरात की जो असेंबली है, जो एमएलए सीटें है 182, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया है। और ये पूरा ब्रांच है, उसके अंदर छोटे बड़े पार्ट माइक्रो पैनल उसके अंदर लगाए गए। देखो पूरा स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पे पूरा बने। यहाँ से एग्जिट होके आप पूरा ऐसे राउंड लेके आ जाइए। ये देखो क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर बना है भाई साहब। ओ भाई क्या डाउन, ये लिफ्ट है, लिफ्ट से आप टॉलेस्ट आगे ऊपर से। अभी हम आए नीचे गैलरी में और हम जा रहे हैं थिएटर पे देखने के लिए कैसा थिएटर है। माटी के लाल सन ऑफ द सॉइल धरती पुत्र। ये थिएटर है। To contain water and release it slowly. The Sardar. It's a wildlife sanctuary. अभी हम आ गए हम लोग बाहर, अब हम जाएंगे ऊपर स्टैचू के पांव तक। जब है देखो, बाप रे बाप। सीढ़ी से भी जा सकते हैं, एलिवेटर से भी जा सकते हैं आप लोग। नर्मदा नदी है। अभी हम आ गए ऑलमोस्ट टॉप फ्लोर पे। ये देखो उनका जो पांव कितना बड़ा है, माय गॉड। और अब आपको मैं पूरा स्टैचू यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर जाके इनके सर तक नहीं दिख रहे हैं, आप देख सकते हो भाई। माय गॉड क्या बनाया है, बहुत बढ़िया चीज बनाई, बहुत। ये नर्मदा नदी, मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, जबरदस्त। और अगर आप इधर आए नहीं, कभी आए, प्लान बनाएं और ज़रूर इस प्रतिमा के पास आएं, स्टैचू के पास आएं। बहुत ही गजब बना है, बहुत ही गजब। ये हैं हम यहाँ पे अभी खड़े, और ये पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का। यह है एग्जिट, एग्जिट पॉइंट। और अभी हम यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं। जो यहाँ पे लाइट शो होता है उसकी सीटिंग है यहाँ पे, और यहाँ से बैठ के पूरा लाइट शो यहाँ पे चलता है। और ये सामने है फूड कोर्ट, अगर किसी को भूख भूख लग गई है तो यहाँ आके खा भी सकता है। स्टारबक्स भी है यहाँ पे। ये एग्जिट। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर शायद ऑटो से या फिर बस से ही जाएंगे, फिर वहाँ जाके ब्लॉग को एंड करेंगे। धूप बहुत है, एक्चुअली दिन का समय है, हम टोपी वगैरह कुछ लेके नहीं, बट धूप बहुत है। वॉल ऑफ यूनिटी। हेलो, सेम ऑटो हमको मिल गया। हम लोग निकल रहे, सामने भी देखो मंदिर भी है और कुछ लोकल मार्केट भी है। तो चलो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं करते हैं एंड। स्टैचू ऑफ यूनिटी से हम लोग आ गए, बहुत ही शानदार जगह है। आपको समय मिले तो ज़रूर आइएगा, इस साइड आएंगे तो ज़रूर आइएगा, एंड फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। हम लोग तो बहुत फास्टेस्ट वे में आए और गए और देख के चले निकल रहे हैं, लेकिन आप आएंगे तो फैमिली के साथ आइए। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।